ये दुनिया का सबसे विशालकाय उड़ने वाला पक्षी है। एंडियन कंडोर नाम के इस गिद्ध प्रजाति के पक्षी के पंखों का फैलाव 11 फीट तथा वजन 15 किलो तक होता है। कभी कभी ये अपने वजन से ज्यादा खा लेता है, तब ये आराम करता है। जब खाना पचा लेता है तब उड़ने की कोशिश करता है। आमतौर पर ये पक्षी एंडीज पर्वत श्रृंखला के आसपास पाया जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया में सबसे लंबी और कई देशों तक फैली है। इसमें लैटिन अमेरिका के 7 देश आते हैं, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना शामिल है। इस पहाड़ी श्रृंखला के आसपास ये उड़ता या बैठता हुआ नजर आ जाएगा। ये अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाता है। कुछ लोग इसके आकार प्रकार के कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ता हुआ जानवर भी कहते हैं। इसे लेकर एंडीज से जुड़ी मिथकीय कहानियां भी हैं। फोटो में आप इसके आकार प्रकार को देख रहे हैं। इसमें नर और मादा के बीच एक ही भेद होता है। इसकी गर्दन पर अगर सफेद रंग का कॉलर है तो ये नर होता है, अन्यथा मादा। आमतौर पर ये अर्जेंटीना और पेरू में ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे अब जिस तरह इनकी संख्या घट रही है तो उन्हें विलुप्त होने वाली प्रजातियों के करीब माने जाने लगा है। वजह है जंगलों का कटाव और इनका शिकार। एंडियन कंडोर आमतौर पर ऊंचाई पर रहते हैं। वो समुद्र के किनारे आई मरी मछलियों को खाते हैं। वैसे वो दूसरे मृत जंतुओं को खा लेते हैं, इस लिहाज में उन्हें पर्यावरण को साफ रखने वाला पक्षी भी कहा जाता है। वैसे दूर दराज के सन्नाटे वाले समुद्र तटों पर भी उन्हें लेटिन अमेरिका में देखा जाता है। खाने की तलाश में वो रोज तकरीबन 120 मील उड़ते हैं। हालांकि वो दूसरे पक्षियों के घोंसले में भी झपट्टा मारकर खाना खा लेते हैं। आमतौर पर वो बहुत अच्छे शिकारी गिद्ध प्रजाति के पक्षी नहीं होते, लेकिन ये भी है कि वो मझोले आकार वाले जानवरों को मारने में सक्षम होते हैं, जैसे भेड़। और इसी तरह के जानवर, इनकी उम्र 60 से 75 साल तक होती है। हालांकि एंडीज पहाड़ियों पर निवास करने वाले लोग उन्हें अमर पक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें बुरा मानते हैं और मार देते हैं। वैसे उनकी प्रजनन दर कम होती है, 5 से 6 साल की उम्र के बाद वो प्रजनन में सक्षम नहीं होते। इन पक्षियों के साथ एंडीज पहाड़ियों से लगे इलाकों में होने वाले समारोह में अच्छा सलूक नहीं होता। पेरू और अर्जेंटीना में इन्हें बैलों की पीठ पर बिठाकर दौड़ाया जाता है और तब दोनों आपस में लड़ते हुए देखे जाते हैं। कि इन खेलों पर अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका